सरकार अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बना पा रहा है। हालांकि अभी भी बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के बीच कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर लोकसभा सीट पर खींचतान चल रही है। आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मन माफिक सीट मिलने पर मान सकती है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी की ओर से पहले ही कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, बिना कांग्रेस के साथ विचार विमर्श किए, बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुए। और ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अगर यही हालत रही तो कांग्रेस और आरजेडी हो सकता है कि अकेले अकेले चुनावी मैदान में भी उतरते हुए दिखाई दे, क्योंकि 12 सीटों की मांग की गई थी कांग्रेस की ओर से, जो कि 6 रह गई थी आरजेडी की ओर से अप्रूव की जानी थी। 6 सीटें देने को आरजेडी तैयार हो गई थी, लेकिन उसमें भी पूर्णिया सीट अब क्योंकि आरजेडी ने अपना कैंडिडेट वहां से उतार दिया है, बीमा भारती को उतारा गया है, ऐसे में अब महज 5 सीटें बची हैं। एक एक करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अपने कैंडिडेट्स उतारती जा रही है, कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करती जा रही है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला नहीं तय हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव बना हुआ है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के तारिक अनवर को देने की हामी भर दी है। पेच पूर्णिया पर फंसा हुआ है। लालू प्रसाद यादव पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लालू यादव मीरा कुमार के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मीरा कुमार अपने बेटे को काराकाट सीट से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। वहीं औरंगाबाद सीट आरजेडी कांग्रेस नेता निखिल यादव को नहीं देना चाहती है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को उतारना चाहती है आरजेडी। भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा अपनी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते हैं। तो बिहार में सीट बंटवारे पर पेच अब भी फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब भी तय नहीं हो पाया है। जहां बीजेपी गठबंधन, एनडीए गठबंधन चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटा हुआ है, वहीं महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस का ये जो अलायंस है, इन्होंने अभी तक अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यानी कि कैंडिडेट्स ही अनाउंस नहीं किए। तो ऐसे में तैयारी किस तरह से हो पाएगी, किस तरीके से कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे, आप ये समझ सकते हैं। और वहीं बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। खबर है कि विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ाने के फैसले से कांग्रेस नाराज है। आरजेडी ज्वाइन करने वाली विधायक बीमा भारती ने दावा किया है कि वो पूर्णिया से ही है, चुनावी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, पूर्णिया से पहले भी पप्पू यादव लड़ते रहे हैं, लेकिन बीमा भारती जेडीयू का हिस्सा थी, और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे तो वोटिंग जब हुई थी तो बीमा भारती उन विधायकों में शामिल थी जो कि नदारद थी, उन 5 विधायकों में। हालांकि वो रुपौल से लगातार चुनाव लड़ती रही हैं और जीत भी रही हैं, लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगी। अपने पुराने घर में आपस हम आ गए और अब जो है कि इस्तीफा दिए हैं। हमारे जो नेता जो लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, सभी का आदेश होगा, उनका पालन करेंगे और टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। जो जनता का ही दुलार प्यार से आए कोई नई बात नहीं है। 2020 से लगातार विधायक से जीतते आ रहे हैं रुपौली से, और मौका मिलेगा तो लोकसभा से मजबूती साथ पूर्णिया से हम जीतेंगे। और वहीं बुधवार को पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने के बाद पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यानी कि पप्पू यादव इस वक्त ये निश्चित कर चुके हैं कि लड़ेंगे तो पूर्णिया सीट से ही लड़ेंगे। वहीं आरजेडी बीमा भारती को उतार रही है, फेस ऑफ वाली स्थिति भी होगी, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि पूर्णिया सीट पर कैसे सहमति बनेगी। और उधर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। बिना सीट बंटवारे के आरजेडी ने सिंबल देना शुरू कर दिया है, जिससे कांग्रेस के नेताओं में भारी नाराजगी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यपाल निखिल कुमार औरंगाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लालू यादव ने बिना सीट बंटवारे के अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और सिंबल भी दे दिया है। कांग्रेस
निखिल यादव को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है, जो कि दो बार से लगातार जीतते आए हैं, लेकिन आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक और सीट पर यह सियासी घमासान है, वो देखने को मिलेगा। क्या आरजेडी कांग्रेस में कई सीटों पर ऐसा होगा कि रार रहेगी? राजद ने जो कोलिशन का धर्म है उसका उल्लंघन किया है, हम लोगों से मिल बैठ कर के बात करके तब कोई फैसला करते तो बात ठीक होती, ऐसा नहीं हुआ है। जो नहीं मानेंगे राजद तो हम लोग सोचना पड़ेगा ना, एक ऐसी तो नहीं चलेगा। हम अलग से बात करेंगे, अलग से लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन की गांठें उलझी उलझी सी दिखाई दे रही हैं। बिहार में, महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बिहार में सीट शेयरिंग पर पेंच। आपको याद हो तो यह बिहार है जहां के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए अलग जगाई थी। विपक्षी एकता को मजबूत कर सीट दर सीट बीजेपी को घेरने की तैयारी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या गए, इंडिया गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए। अब आलम यह है कि बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए ही राष्ट्रीय जनता दल टिकटों का बंटवारा कर रही है। आरजेडी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसकी लिस्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी आरजेडी कांग्रेस के बीच फंसे पेंच को देखिए। बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन दोनों के बीच सहमति के तार अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के संपर्क में है कांग्रेस, लेकिन इस संपर्क से सहमति की गुंजाइश कितनी बनेगी जब बिना फॉर्मूले के ऐलान के ही आरजेडी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है। ताजा लिस्ट के मुताबिक लालू यादव अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ेंगी चुनाव, जबकि रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ेंगी। दोनों बेटियों के अलावा आरजेडी ने उजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण को टिकट दिया है, बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। किसी गठबंधन में हम लोग हैं तो मिल बैठ करके बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद एक किस्म से संयुक्त बयान जाता है कि साहब हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, इनको वहाँ से टिकट दिया जाए। वो तो हुआ नहीं इसमें। अब सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो रही थी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वो गए थे उसमें। उनकी क्या बातचीत हुई राजद के साथ हम उनको मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हमारे अध्यक्ष चले गए हैं दिल्ली हाईकमान से बात करने। शायद उनको ये कहने जा रहे हैं कि राजद सहमत नहीं है हमारी सजेशन से, तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए आगे। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक पेज पर नहीं है। दो दिन पहले का घटनाक्रम पूरी कहानी बयां करता है। तब कहा गया कि आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई की रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती भी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया। और अब कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। और इस बीच लालू यादव ने सीटों के बंटवारे से पहले पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बिहार में लालू कैसे कांग्रेस के साथ खेल कर रहे हैं, अब जरा वो भी समझिए। लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है।
तो बिहार में विपक्ष का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनने से पहले बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और बिहार ही क्यों, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन की गांठें इतनी उलझ गई हैं कि समय रहते सुलझती नहीं दिख रही। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का यूपी के कई सीटों पर नए चेहरों को उतारने का फैसला। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनुप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। बीजेपी का ये एक अहम फैसला आधिकारिक तौर पर जाहिर भी हो सकता है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें यूपी में कई नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट पर दिखाई दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ही बड़ी खबर बीजेपी से आ